आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर और स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। पूरे देश के साथ साथ हमीरपुर में भी भाजपा द्वारा करगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे। बचित भवन हमीरपुर में कारगिल विजय दिवस पर भाजपा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कारगिल में शहीद हुए जवानों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि शहीदों की शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा कारगिल विजय दिवस को पूरे देश में हर साल मनाती है। इस अवसर पर शहीदों की शहादत को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाता है। 1999 के कारगिल युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी और पाकिस्तान को सबके सामने मुंह की खानी पड़ी थी। तब से लेकर हर वर्ष 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, अपने शहीदों को स्मरण करते हैं, पूर्व सैनिकों को मान सम्मान देते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम भारत माता के लिए सदा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, शहीदों की शहादत का सम्मान करते रहेंगे और उनको पूरा मान सम्मान देंगे, जो भी समाज का दायित्व बनता है उसको निभाएंगे। वहीं इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा कि भाजपा पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाती है और शहीदों की शहादत को याद करती है। आज सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं कारगिल परिवार के शहीदों को, जिन्होंने और उनके परिवार को, माता और पिता को, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत पैदा किए और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जहां आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस को याद कर रहा है और जो हमारे वीर सैनिक थे उन्होंने अपना शौर्य का परिचय देते हुए जो भारत पाक के सैनिकों को धूल चटाई थी, आज उसी उपलक्ष्य में पूरा देश जो है कारगिल विजय दिवस मनाने जा रहा है। भाई और बहनों, बड़े शर्म की बात है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार का मुखिया वीरभद्र सिंह, उसको 26 जुलाई की याद नहीं रहती है। आज अगर पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मना रही है तो भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी मना रही है। कारगिल युद्ध में हिमाचल के वीर जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर विजय गाथा लिखी थी। ऑपरेशन विजय में प्रदेश के 52 जवान शहीद हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, हमीरपुर।
चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राजधानी शिमला में किस तरीके से भाजपा द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शिमला में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश के लिए शहीदों की शहादत को याद रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान 4 शहीदों को परमवीर चक्र दिया गया, जिनमें 2 हिमाचल के थे। उन्होंने बताया कि भाजपा शहीदों का सम्मान करती है, यही वजह है कि केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया है। उस समय हमारे जवानों ने बहुत अदम्य साहस का परिचय दिया था और जब तक उन पाकिस्तानी सैनिकों को जो है वो हिंदुस्तान के उन कारगिल की चोटियों से जो है वो बाहर नहीं फेंक दिया, तब तक जो है उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। और इस युद्ध में हिमाचल प्रदेश के बहुत नौजवान मारे गए थे और उन 54 नौजवान जो मारे गए थे उनमें से 2 परमवीर चक्र, 4 टोटल मिले हैं उसमें, जबकि 2 परमवीर चक्र जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को मिले थे। एक तो जीवित हैं विजय कुमार जी और एक मरणोपरांत जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो दिवस है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को विजय दिवस के रूप में हर वर्ष मनाती है। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में हिमाचल के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर विजय गाथा लिखी थी। ऑपरेशन विजय में प्रदेश के 52 जवान शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध में दुश्मन सेना के दांत खट्टे करने वाले जांबाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। भाजपा नेता विजयपाल सुहारू को भारतीय जनता पार्टी हिमाचल का सचिव चुना गया है। इसके लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी वे उसे पूरी तरह से और पूरे मन से निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। विजयपाल सुहारू भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के नए सचिव चुने गए हैं। हमीरपुर प्रतिक्रिया में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने उन्हें इसके लिए शुभकामनाएं दी, साथ ही उनका मुंह भी मीठा किया। इस अवसर पर विजयपाल सुहारू ने कहा कि पार्टी ने उन्हें इस पद के लिए चुना है, उसके लिए वे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि वे हर कार्यक्रम में हर कार्यकर्ता से मिलकर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे वे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतपाल सत्ती जी का, संगठन महामंत्री पवन राणा जी का धन्यवाद करता हूं। और ये जिम्मेवारी जो मुझे सौंपी गई है, मैं पुरजोर ये प्रयास करूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में हर कार्यकर्ता से मिल के पार्टी को बुलंदियों पर पहुँचाने की कोशिश करूँगा और मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि जिम्मेवारी जो मुझे दी गई है इस पर खरा उतरूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य मैं 1993 में बना था। पूर्व में युवा मोर्चा में, विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों पर काम करते हुए, युवा मोर्चा में राष्ट्रीय स्तर तक भी मैंने काम किया है। युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्य रहा हूँ युवा मोर्चा में, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जिला का महामंत्री रहा हूँ और वर्तमान में मुझे पार्टी का प्रदेश का सचिव बनाया गया है। इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन जो जिम्मेवारी हमें सौंपेगा, हम भरपूर ये प्रयास करेंगे कि उस पर खरा उतरें। जो भी कार्यक्रम पार्टी की ओर से आएंगे, हम उन कार्यक्रम में पूर्णतः सम्मिलित होंगे और ये कोशिश करेंगे कि हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्ट्रांग हो, सुदृढ़ हो, ताकि हम प्रदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकें। वहीं इसके लिए भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर ने विजयपाल सुहारू को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि हिमाचल भाजपा सचिव हमीरपुर जिले से चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में जिले की सभी सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है। हमें तो बहुत खुशी है भारतीय जनता पार्टी को, खास करके हमीरपुर जिला को, कि हमारे जिला से प्रदेश में जो विजयपाल सुहारू जी की नियुक्ति हुई है, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जो
आने वाला चुनाव है उसमें उनका बहुत अच्छा हमें सहयोग मिलेगा और जिला में हम पांचों की पांचों विधानसभा सीटें जीतने का हर भरपूर प्रयास करेंगे और जीतेंगे भी। और आदरणीय धूमल जी को आगामी जो सरकार है उनके नेतृत्व में बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। वहीं भाजयुमो राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने भी विजयपाल सुहारू को शुभकामनाएं दी। बहुत हर्ष का विषय है, निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं किस तरह कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि विजयपाल सुहारू जी बहुत लंबे समय से विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनों में काम करते हुए इस दायित्व तक पहुंचे हैं और स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं में खुशी होना जब अपने बीच का एक साथी भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जिनको इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है उससे कार्यकर्ताओं में खुशी है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। विजयपाल सुहारू काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सन 1993 में पहली बार वे पार्टी के सदस्य बने थे। वहीं युवा मोर्चा में भी वे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। कोटखाई मामले के बाद अब लोग फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की मौत की जांच भी सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। मंडी जिला के जंजहली में लोगों ने इस बाबत प्रदर्शन किया, साथ ही चक्का जाम भी कर दिया। लोगों को शांत करने और जाम को खुलवाने के लिए खुद एसडीएम अश्विन कुमार को बीच बचाव करना पड़ा। लोगों की मांग है कि फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की मौत की जांच भी गुड़िया प्रकरण की तरह सीबीआई से करवाई जाए। कोटखाई के गुड़िया प्रकरण की किरकिरी से सरकार अब तक ठीक से उभर भी नहीं पाई थी। अब वन रक्षक होशियार सिंह का मामला भी तूल पकड़ने लगा है। बुधवार को सराज मंच के बैनर तले जंजहली में जनसैलाब उमड़ आया। केवल एक ही मांग की जा रही थी कि वन रक्षक मौत के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। एसडीएम अश्विनी कुमार ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया, साथ ही ज्ञापन को भी लिया। वन रक्षक होशियार सिंह के मामले में पूरी सराज घाटी एकजुट हो गई है। उमड़े जनसैलाब में भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने वन रक्षक होशियार सिंह की दादी को उसका वेतन ताउम्र देने का भी ऐलान किया था। 9 जून को वन रक्षक होशियार सिंह का शव पेड़ पर उल्टा लटका मिला था। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने होशियार सिंह के 2 सुसाइड नोट मिलने का दावा किया। इसके आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने पर वन विभाग के आधा दर्जन कर्मचारियों समेत आधा दर्जन लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन अब लोग इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। हिमाचल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कई राजनीतिक दल हिमाचल में सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय आजाद मंच ने भी हिमाचल का रुख किया है और राम पार्टी बनाकर हिमाचल की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। चुनावों के लिए लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून को हिमाचल की कमान सौंपी गई है, जो हिमाचल विधानसभा की सभी 68 सीटों पर टिकट और संगठन बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे और चुनेंगे भी कि किस किस को कहां कहां से टिकट देना है। लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून ने बताया कि 1987 से उन्होंने 40 साल डोगरा रेजिमेंट से देश की सेवा की है। 88 साल की उम्र में डोगरा के लिए काम करेंगे। जिन डोगरा ने देश के लिए कुर्बानी की है उनको एक मंच पर लाकर काम किया जाएगा। वॉर विडो के लिए काम किया जाएगा। जो भी वॉर विडो हैं, उनकी तकलीफें दूर करेंगे। हिमाचल के डोगरा को ऊपर उठाएंगे। देश के जवान सोना है। उन्होंने बताया कि उन्होंने भाजपा के सलाहकार पद से 10 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया है। अब राम पार्टी ज्वाइन कर ली है। देखिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। मैं इधर नहीं बताना चाहता कि क्या हमारे हाथ में है। यहाँ हमने डिस्कस किया है, इन्होंने बताया है किस तरीके से करना है और मैं फुल इनके साथ हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सारी सीटें लेंगे। हम तो कोशिश करेंगे बेचारे। आज देखो बाहर से आके लोग हमें हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। क्या किया है उन्होंने? आप इस सड़क पे आए, आपकी पीठ टूट जाती है। वो बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। मेरे लिए वक्त कम है और मैं इनके साथ मदद करूंगा। जो बोलेंगे
कितना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कितने सीटें होंगी, क्या होंगी, वो ये बताएंगे। राम पार्टी में प्रिया कटारिया को प्रदेश महिला मंच का अध्यक्ष, रीटा को महिला मंच के प्रदेश महासचिव, राजीव शर्मा को किसान मंच का प्रदेश अध्यक्ष, मदन कश्यप को युवा मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष, मदन गुलेरिया को प्रदेश महासचिव व अशोक कुमार को जिला कांगड़ा युवा मंच व तेजेंद्र जीत को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 28 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का मन बनाया है। एबीवीपी का मानना है कि सरकार यानी कांग्रेस सरकार छात्र विरोधी नीतियां अपना रही है विभिन्न कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में, और इसी के खिलाफ वे आंदोलन करेंगे। एबीवीपी की प्रांत मंत्री हेमा ठाकुर ने कहा कि एबीवीपी 28 जुलाई को गुड़िया प्रकरण सभी महाविद्यालयों में काली पट्टियां बांधकर मौन प्रदर्शन करेंगे। 31 जुलाई को कॉलेज की समस्याओं की मांग को लेकर प्रिंसिपल का घेराव किया जाएगा, जबकि 1 अगस्त को विद्यार्थी परिषद राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का घेराव करेगी। उन्होंने बताया कि एबीवीपी 2 और 3 अगस्त को 24 घंटे की सामूहिक भूख हड़ताल करेगी, जबकि 5 अगस्त को प्रदेश भर में पौधारोपण किया जाएगा। कॉलेज की मांगों को लेकर 8 अगस्त को परिसर में रैलियां निकाली जाएंगी, जबकि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक सामाजिक अनुभूति व महिला शिक्षा सर्वेक्षण और केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर विशेष योजना के तहत कार्यक्रम चलेंगे। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर 5 से 10 अगस्त तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जबकि 11 अगस्त को केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 17 अगस्त को केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी का घेराव किया जाएगा और पूरे प्रांत में इस विश्वविद्यालय के मुद्दे पर प्रदर्शन होंगे, जिसको लेकर शिमला में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त को शाहपुर कॉलेज में शिक्षा बंद की जाएगी। हेमा ठाकुर ने कहा कि 23 और 24 अगस्त को सांकेतिक भूख हड़ताल रहेगी, 28 व 29 अगस्त को केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसरों के साथ एबीवीपी कार्यकर्ता मिलकर उनसे समर्थन की अपील करेंगे, जबकि 31 अगस्त को केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूर्ण शिक्षा बंद रखा जाएगा। बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है और गुड़िया हमारी तरह ही एक छात्रा थी, तो निश्चित रूप से कोई भी इसके ऊपर राजनीति करेगा चाहे या इसके ऊपर कोई निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो विद्यार्थी परिषद निश्चित रूप से इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और जैसे मतलब आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि सक्रिय रूप से विद्यार्थी परिषद इसमें एक्टिव रही और सबसे पहला प्रदर्शन शिमला में विद्यार्थी परिषद के द्वारा ही इस मामले को लेकर किया गया और सीबीआई की को ये मामला सौंपने तक का विद्यार्थी परिषद ने पूरा वो किया है और आगे भी विद्यार्थी परिषद इस मुद्दे के ऊपर जो है आंदोलन करती रहेगी। जी बिल्कुल, जो भी सरकार का मैंने बताया कि इतनी बड़ी छात्र आक्रोश रैली होने के बाद 25,000 स्टूडेंट्स जो शिमला में एकत्रित हुए, उसके बाद भी सरकार जो है इस शिक्षा के मुद्दे पर, चाहे छात्र संघ चुनाव का मुद्दा हो, चाहे सेमेस्टर सिस्टम का मुद्दा हो, चाहे फीस वृद्धि का मुद्दा हो, उसके ऊपर नकारात्मक रवैया बनाए हुए है, तो विद्यार्थी परिषद निश्चित रूप से अपने आंदोलन को जो है इस मुद्दों पर जो है उग्र करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हिमाचल डायरी में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। आप देखते रहिए पोलस्टार टीवी।